ऑफ टू. सो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है. जहां पे भी पहले नोट बोल दिया सिक्स नोट ऑफ टू, दैट मींस आपको सिक्स रुपीज है. सिक्स हाउ मेनी टाइम्स विल यू राइट? टू टाइम्स विल यू राइट, ठीक है. सो ये क्वेश्चन थोड़ा इंस्ट्रक्शन ध्यान से देखिएगा. वहां पे है वो भी बोला होगा सिक्सटीन नोट ऑफ फाइव, ठीक है. दैट मीन्स आपको फाइव का नोट सिक्सटीन टाइम्स एड करना है, ओके. सो ये सारा चीज आप ध्यान रखना. या तो आप 5 प्लस 5 कर सकते हैं या 5 इंटू 2 भी आप कर सकते हैं. यस, आप उसका भी आंसर मिल जाएगा. 5 2 10 होता है. 5 प्लस 5 कितना था? 5 6 7 8 9 9 10. सो व्हाट इज योर आंसर? नंबर 10. और 5 2 10 भी कर सकते हो या 5 प्लस 5 टू टाइम्स भी एड कर सकते हो, ओके. सो दिस इज अप टू यू. आपको अगर टेबल्स आते हैं यू कैन डू टेबल्स और एल्स यू कैन डू एडिशन मेथड, ओके. सो आपको ये कौन सा आंसर मिला? 10 आंसर मिला. व्हाट इज 10? हियर इट इज, ई में दिया है. ई में हम डाल देंगे नंबर 2. नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3. माय वंस एंड टेंस डिजिट आर 4. तो जैसे हमने यहां पे किया था, माय टेंस एंड वन डिजिट हमको दिया था, अलग अलग नंबर दिया था, बट यहाँ पे आपको सेम नंबर दिया गया है. सो टेंस डिजिट में क्या बोला है? नंबर 4. एंड वंस डिजिट में भी बोला है नंबर 4. तो ये 4 को जो टेंस के फॉर्म में, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? 40 लिख सकती हूँ. यस, और 4 के वंस में है तो 4 एज इट इज, तो 40 प्लस 4 आई विल राइट. 40 क्यों? बिकॉज इट टेंस डिजिट में. अगेन 4 क्यों? बिकॉज ये वंस के डिजिट में है. ये दोनों 4 ही बोला गया है. मेरा वंस एंड टेंस दोनों 4 है. तो व्हाट इज योर आंसर? 44. 40 प्लस 4 विल बी 44. वेयर इज 44? ए में है. इधर हम डालेंगे नंबर 3. यानी कि देखो, वंस डिजिट में भी 4 है और टेंस डिजिट में भी 4 है. सी ना. सो दिस यू हैव टू रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली, तभी आपको कुछ समझ में आएगा. नाउ नेक्स्ट इज, आई एम एग्जैक्टली इन बिटवीन 30 एंड 40. क्या बोला है? आई एम एग्जैक्टली इन बिटवीन 30 एंड 40. मैं एग्जैक्टली उनके बीच में हूँ. किसके? 30 और 40 नंबर के, ओके. तो पहले हम देख लेते हैं द नंबर्स, ओके. 30 से 40 तक के नंबर हम लोग देख लेते हैं. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 एंड 40. अब मैंने ये सारे नंबर यहाँ पे लिख दिया है ना. अब मेरे को देखना है कि एग्जैक्टली इन नंबर्स के बीच में कौन सा नंबर आ रहा है, ओके. सो यू हैव टू सी हाउ मेनी नंबर्स आर देयर. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11. जब 11 नंबर्स हैं तो उसका मिडिल नंबर निकल सकता है, ओके. सो व्हाट आई विल डू, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, देन 1, 2, देन अगेन 1, 2. मैं दोनों साइड से इक्वल काउंट कर रही हूँ, ओके. सो जब वो इक्वल काउंट हम करते हैं हमको मिडिल नंबर मिल सकता है. 1, 2 and 3, अगेन सी 1, 2 and 3, देन 1, 2, 3, 4. अब बीच में ये तीन नंबर्स रह गए, 34, 35, 36. 1, 2, 3, 4, 5. 34 तक मैंने यहाँ पे 5 काउंट किया, नीचे से 5 काउंट करेंगे. 1, 2, 3, 4 and 5. क्या नंबर आ गया हमारे पास? 34 और 36 के बीच में एक नंबर बच गया, राइट. कौन सा नंबर है ये? 35. दैट मीन्स द मिडिल नंबर ऑफ दिस 30 टू 40 इज 35. यू कैन सी 1, 2, 3, 4 and 5 काउंट ऊपर से भी आ रहा है और 1, 2, 3, 4, 5 काउंट नीचे से भी आ रहा है. दैट मीन्स 35 इज द मिडिल नंबर. बिटवीन नंबर ऑफ 30 एंड 40 का बीच का नंबर क्या है? 35. सो यहाँ पे 35 कहाँ है? हियर इट इज, बी में. यहाँ पे मैं डालूंगी नंबर 4. अब दिस इज क्लियर. आपको ऐसे भी दूसरे सम्स भी दिए होंगे, दैट मिडिल नंबर ऑफ 60 एंड 70, मिडिल नंबर ऑफ 40 एंड 50. ऐसे आपको ये नंबर से लिख के आप काउंट करना है. 1 एंड 1, ठीक है. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. अब उसके बीच में जो एक नंबर बच जाता है, सब ऊपर नीचे दोनों इक्वल नंबर्स काउंट करके बीच में जो नंबर बच जाता है,
number. Okay? आप अपने way से भी इसको explain कर सकते हो. This is my way. You can understand this way as well. Okay? So, next question is, adding 4 in me, you score a half century. क्या बोला है? Adding 4 in me, you score a half century. Now, century आपको पता है? क्रिकेट में आपने सुना होगा कि मैंने सेंचुरी मारा. उसे बोला जाता है ना, what is century? Century means 100 runs. 100 runs जब एक क्रिकेटर पूरा करता है, that is known as century. Century means 100 years complete होना, है ना? अब वो हमारा हो गया century. Now century बोला तो इसका half century क्या हो जाएगा? What will be? Half यानी के divided by 2, 100 divided by 2 करोगे तो आपको एक आंसर मिलेगा. और else उसका आप आंसर हमेशा याद कर सकते हैं, सेंचुरी का आधा, हाफ सेंचुरी होता है 50. कितना होता है? 50. इफ यू वांट टू सॉल्व द आंसर, 50 मल्टीप्लाई बाय 2 करो या 50 प्लस 50 करो, आपको 100 मिल जाएगा. सो आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमको बोला है हाफ सेंचुरी. जब सेंचुरी हमारा 100 होता है, ओके, सेंचुरी हमारा 100 होता है तो हाफ सेंचुरी विल बी 50. हाफ सेंचुरी विल बी 50. अब हमको क्या बोला है? Adding 4 in me, you score a half century. तो आपको ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसको अगर आप 4 के साथ ऐड करोगे आपको 50 मिल जाएगा, है ना? तो अब 50 हमको चाहिए, तो हम 50 के ऊपर के नंबर्स तो काउंट नहीं करेंगे, है ना? क्योंकि आपको ऐड करना है 4, तब जाके हमको 50 मिलेगा. तो मैं क्या करूंगी, 50 के नीचे नंबर काउंट करूंगी. सो 49, 48, 47 and 46. यानी के 50 के बाद, 50 के पहले वाले 4 नंबर्स में काउंट करूंगी, 1, 2, 3, 4. देखो 4 टाइम्स बोला है, 1, 2, 3, 4. 4 टाइम्स मैंने नीचे काउंट किया, ठीक है, बैकवर्ड काउंटिंग मैंने किया यहाँ पे. सो 50 का बैकवर्ड काउंटिंग है 49, 48, 47 and 46. अब आप देख सकते हो हमको लास्ट क्या आया, 46 आया. क्या 46 के साथ अगर 4 ऐड करोगे 50 मिलता है? लेट्स सी. 46, 47, 48, 49 and 50. सो क्या नंबर आपको मिला? 46 इज योर आंसर. अगर 46 के साथ में अगर 4 ऐड करोगे आपको 50 मिलेगा. 46, 47, 48, 49 and 50. सी आपको यहाँ पे 50 मिल जाएगा अगर 46 के साथ में आप 4 ऐड करोगे. सो दिस इज व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग, ठीक है, कि मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसके साथ अगर मैं 4 ऐड करूं, 4 नंबर और ऐड करूं तो मुझे हाफ सेंचुरी मिलेगा, मुझे हाफ सेंचुरी मिलेगा. सो दैट इज द नंबर 46. तो आपको क्या करना है, आपको पहले पता करना है दिस इज योर हाफ सेंचुरी. उसमें अगर बोला है यहाँ पे जो भी नंबर बोला है, एडिंग 5, एडिंग 6, जितना भी नंबर बोला है उतना बैक काउंटिंग जाना, ठीक है. सी 1, 2, 3, 4 मैंने बैक काउंटिंग लिया. अब ये जो फोर्थ नंबर मेरे को मिला उसके साथ अगर मैं वो नंबर ऐड करूंगी, जो नंबर मैंने यहाँ पे बोला गया, मेरे को वो आंसर मिल जाएगा. ओके, सो हियर द आंसर इज 46 एंड 46 इज ओवर. तो यहाँ पे मैं डाल दूंगी नंबर 5. ओके, सो दिस वाज 31A. नाउ लेट्स सी 31B. अब बी में हमको दिया है, ये आल्सो इन दिस क्वेश्चन आल्सो देयर आर सिमिलर सम्स ऑफ ए, ठीक है, जो ए में हमने अभी सीखा वैसे सिमिलर सम्स वहां पे दिए गए हैं, बस थोड़े नंबर्स चेंज हो जाएंगे. ओके, सो उस क्वेश्चन में आपको कुछ नए क्वेश्चन दिए गए हैं, दैट आई एम गोइंग टू टीच यू नाउ. नाउ यहां पे आप देखो क्वेश्चन नंबर, आई कम बिटवीन 50 and 60 एंड 3 इज इन माय वंस प्लेस. क्या बोला है, मैं किसके बीच में आता हूँ, 50 और 60 के बीच में आता हूँ, बट 3 इज इन माय वंस प्लेस. जो 3 है वो मेरे वंस के प्लेस में है. तो जैसे हमने लास्ट किया था 30 और 40 का, वैसे हम यहाँ पे भी नंबर्स लिख देंगे, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 and 60. तो 50 से 60 तक के मैंने नंबर्स यहाँ शो कर दिया. उसमें हमको बोला था एग्जैक्टली इन बिटवीन, ठीक है, एग्जैक्टली इन बिटवीन हमको कोई वहां पे वंस डिजिट नहीं बोला गया था, वहां पे बोला था कि मैं एग्जैक्टली उनके बीच में हूँ. अब बट यहाँ पे क्या बोला, मेरा वंस डिजिट 3 है, 3 इज इन माय वंस प्लेस, यानी कि वंस डिजिट क्या है इसमें,
थ्री है, तो थ्री कहाँ है इसमें, ये रहा, तो वंस डिजिट यहाँ पे थ्री है, दैट मींस दैट आंसर इज 53. 50 और 60 के मिडल में आता है और उसका वंस डिजिट 3 है, सो दिस इज योर आंसर, 53 इज योर आंसर. ऐसे आपको शो करना, अगर यहाँ पे बोला है कि मेरा 7 है वंस केस में, वंस के केस में 7 है, तो 57 विल बी योर आंसर. सो ऐसे आपको ध्यान रखना है और करना है. तो 53, वेयर इज 53, हियर, सो हियर इट इज 53, यहाँ पे है, सो यहाँ पे मैं डाल दूंगी नंबर 1. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. एडिंग 5 एंड मी यूज फॉर अ सेंचुरी. ओके, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, हाफ सेंचुरी फाइंड आउट किया था. ओके, हियर वी हैव टू फाइंड आउट द सेंचुरी. सेंचुरी मैंने क्या बताया था, व्हाट इज सेंचुरी, 100 इज योर सेंचुरी, और उसका हाफ क्या हो जाएगा, 50 इज अ हाफ सेंचुरी. तो यहाँ पे हमको सेंचुरी परफेक्ट फाइंड आउट करना है, सो 100 इज योर सेंचुरी. अब उसमें क्या बोला है, एडिंग 5 एंड मी यूज फॉर अ सेंचुरी. अब ऐसा नंबर आपको फाइंड आउट करना है जिसमें अगर आप 5 ऐड करोगे तो आपको सेंचुरी, दैट इज 100 आपको मिल जाएगा. सो क्या करूंगी मैं 100 का बैकवर्ड काउंटिंग लूंगी, तो कितने बार 5 टाइम्स तक मैं जाऊंगी. ओके, सो 99, 98, 97, 96, 95, सी 1, 2, 3, 4 and 5 times में backward counting कर रही थी. बार 5 times क्यों? Because हमको बोला है वहाँ पे, इसलिए. तो 5 times में backward counting गई. अब जब मैं 5 backward counting गई, मेरे को कौन सा आंसर मिला? 95 मेरे को वहाँ पे नंबर मिला, right? अब इस 95 के साथ हम देखते हैं, अगर 5 count करते तो हमको 100 मिलता है या नहीं. So 95, 96, 97, 98, 99 and 100. कितना आया आपको? 100 आया. Yes, so that means 95 is your answer. 95 वो नंबर है जिसके साथ अगर आप 5 ऐड करोगे आपको 100 मिल जाएगा. ओके, आपको 100 मिल जाएगा. सो वही हमको बोला है, एडिंग 5 विल मी यूज फॉर अ सेंचुरी. सो अगर आप 95 वहां पे नंबर को 5 और ऐड कर दोगे आपको 100 यानी दैट इज अ सेंचुरी आपको मिल जाएगा. लास्ट क्वेश्चन में हमने 4 ऐड किए थे, तो हम 4 बैकवर्ड काउंटिंग गए. यहाँ पे 5 बोला है तो हम 5 बैकवर्ड काउंटिंग गए और इसमें जो लास्ट नंबर है दैट विल बी योर आंसर. सो 95 इज योर आंसर. वेयर इज 95, ये रहा. सो यहाँ पे मैं डालूंगी नंबर 2. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. आई एम अ सेंचुरी प्लस हाफ सेंचुरी. सो क्या करना है, सेंचुरी इज फॉर 100 प्लस हाफ सेंचुरी इज फॉर 50. सो मैं कर दूंगी 100 प्लस 50. 100 इज योर सेंचुरी प्लस इन एडिशन हाफ सेंचुरी, दैट इज हाफ सेंचुरी क्या है हमारा 50. सो हम दोनों को बस इसको ऐड करना है. सो 100 प्लस 50 विल बी 0 का 0 नीचे, 0 प्लस 5 इज 5 एंड 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 एज इट इज. सो 150 इज योर आंसर. ओके, सेंचुरी प्लस हाफ सेंचुरी दैट इज 100 प्लस 150, आपको बस इतना ही करना है. सो 150 इज योर आंसर. सो 150 का है, हियर इट इज, यहां पे मैं डाल दूंगी नंबर 3. फोर्थ वन, एडिंग 4 इन मी यूज फॉर अ डबल सेंचुरी. नाउ व्हाट इज डबल सेंचुरी? डबल सेंचुरी क्या होता है, जब सेंचुरी आपका 100 है तो डबल यानी कि दो गुना, डबल मींस दो गुना, ट्रिपल बोलेंगे तो तीन गुना. सो ये आपको ध्यान रखना है, डबल बोला है तो दो गुना. सो दो गुना मींस व्हाट, 100 प्लस 100. सो 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा, 200 है ना. सो जब सेंचुरी आपका 100 है, डबल सेंचुरी कितना हो जाएगा, 200. डबल सेंचुरी हो जाएगा 200. अब सेम मेथड, एडिंग 4 इन मी यूज फॉर अ डबल सेंचुरी. सेम क्वेश्चन है बट आपको सेंचुरी, डबल सेंचुरी, देन हाफ सेंचुरी, बस वो चीज चेंज हो जाएगा. यस, सो यहाँ पे आपको बोला है कि हमको ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जिसमें अगर हम 4 नंबर ऐड करें तो हमको 200 इस डबल सेंचुरी मिल जाए. तो सेम वे मैं 200 का बैकवर्ड काउंटिंग जाऊंगी, कहाँ तक, 4 नंबर तक, है ना.
बिना डबल सेंचुरी? Yes, so that means the answer is 196. 196 is your answer. Okay. So जैसे आपको यहाँ पे बोला गया है डबल सेंचुरी बोला है सेंचुरी बोला तो आपको क्या करना है बैकवर्ड काउंटिंग जाना है कहाँ तक जहाँ तक हमको नंबर बोला है एडिंग 4 यानी कि 4 टाइम्स आपको पीछे जाना है एडिंग 5 तो आपको 5 टाइम्स आपको पीछे जाना है सो ये आपको देख के जो लास्ट में जो आंसर होगा उसके साथ ट्राई करना एड करने की लाइक 196 के साथ में मैंने ऐड किया 4 196 197 198 199 1200 तो मेरे को आंसर वहां पे मिल जाएगा सो ये आपको एडिंग 4 एंड मीन यूज करो डबल सेंचुरी तो अगर आप 196 के साथ में 4 ऐड करोगे आपको डबल सेंचुरी मिल जाएगा ओके सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व सो 196 ओवर हियर तो यहां पे मैं डालूंगी नंबर 4 ओके सो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस मैच द फॉलोइंग आपको क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ना है अगर आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे आपको उसका लॉजिक पता चल जाएगा दिस यू डू इट इन योर नोटबुक ताकि क्या होगा आपको सॉल्यूशन शो करने भी मिल जाएगा सॉल्यूशन भी शो कर लेना उसका एंड आपको वो क्लियर भी हो जाएगा सो आई विल शेयर द पीडीएफ विद यू जस्ट डू इट प्रॉपरली ओके सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स